कौन सा नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला। अच्छा ठीक है, वो वाला कर दो। काका सर बिल्डिंग होता है वो बेकार मिलता है भाई, हैदराबाद में बहुत बेकार एक रोल मिलता है हम लोग। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सही बजे ने सुबह के 9 और अभी हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं फ्रेंड्स, और भी घर में कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो चलिए चैनल पे बने रहिए, और चैनल पे नए आते जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास जब भी नया वीडियोज आए आसानी से मिल जाए। मम्मी ने फ्रेंड सुबह सुबह मीठू को आज रस्सी से टांग दिया, चलिए आप लोग को दिखा। ये देखिए, देख रहे हैं अब अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स देखने में? जमीन में था अच्छा नहीं लग रहा था, अब लटका दिया तो इसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मीठू भी बहुत बड़ा हो गया, देखिए छोटा सा लेकर आया था आप देखे होंगे, बट अभी बहुत बड़ा भी हो गया। और इसके लिए मम्मी सुबह सुबह दी थी चना, देखिए ये देखिए चना, देखिए ये चना खाया भी नहीं अच्छा से। और देखिए ऊपर है रस्सी, सज्जा में टांग दिया मम्मी। और अभी मम्मी जस्ट थोड़ा देर पहले लेकर आई है अमरूद इसके लिए बाहर से, पेड़ है एक छोटा सा तो इसमें हल्का सा पका हुआ था, तो चलिए मीठू को दे। आरव का फ्रेंड्स देखिए कल चोट लग गया था, वही दिखा दे रहा है। दर्द हो रहा है क्या? हाँ अच्छा ठीक है, बोरो प्लस लगा देंगे। ठीक है क्या हुआ बोलो क्या हुआ? और यहाँ पे देखिए ये ब्रेकफास्ट कर रही है, हो गया तुम्हारा ब्रेकफास्ट? हाँ ये मीठू को चलो खिला देना, हम अमरूद दिए हैं खा ही नहीं रहे। अच्छा खिला देना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं खा पाएगा, तो चलो बाहर आओ जल्दी से। भानु यहाँ पे मीठू को पानी पिला रही है, देख पी रहा ना? ऐसे भी नहीं पी रहा है। कैसे पिला रही है? आरा और ये दोनों सेम है, क्या ही बताए। और जो बैर लेकर आए हो दादी से भी पिटाई पड़ेगा, बैर अगर फेंक दिया तो जल्दी से जाकर रख दो जाओ। और यहाँ पे फ्रेंड्स आरा भी ब्रेकफास्ट कर रहा है, देखो इसको ब्रेकफास्ट कैसे करवाना पड़ता देख लीजिए आप लोग, देखो पकड़ पकड़ कर खिलाना पड़ता है, नहीं तो खाएगा ही नहीं भाई ये। तो घर से बाहर आ गए फ्रेंड्स, और अभी जा रहे हैं थोड़ा दुकान आरव के लिए रेशम लाने के लिए, तो चलिए जल्दी से चलते हैं, जल्दी से लेके आते हैं। 2 मीटर देना ठीक है, रह भी जाएगा 2 मीटर, नहीं बच्चा लड़का 2 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फ्रेंड्स रेशम लेके, और यहाँ पे भानु बना रही है आज मसूर दाल का पकौड़ा, यानी उसी का सब्जी बनेगा अभी, है ना? आज भी उसी का सब्जी बनेगा ना? आज भी नहीं, बहुत दिन के बाद बन रहा फिर से, नहीं दोबारा मज़ा आ जाएगा बट आज खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है भाई आज। और ये भी खाओगे क्या आप? नहीं खाओगे? हाँ खाना है आपको मिट्टू, इसको नहीं। मम्मी यहाँ पे मिट्टू को मसूर का पकोड़ा खिला रही है, खा रहा क्या? ये देखे 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 लिया है लिया है, ये तो खा रहा है। तो नहा वहाँ के मस्त टाइप से रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, और मिट्टू बाहर था तो मिट्टू को हॉल रूम में रख दिए हैं, और आरब भी नहा लिया है, तभी थोड़ा देर के बाद जल्दी से लंच करेंगे फिर आप लोग। फ्रेंड्स लंच रेडी हो गया मेरा, मसूर दाल का पकोड़ा, और ये है दाल, अरहर दाल नहीं है अलग वाला दाल है, और ये चावल, तो चले जल्दी से खा लेते हैं। लंच वगैरह हो गया भाई मस्त टाइप से, और मम्मी यहाँ पे कर रही है लीची पेड़ में घेराव, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए इसको हम लोग घेराव करने के एक ही कारण है, इसमें हम लोग अभी पानी डालेंगे, और ये सबको हल्का हल्का कोड़ना पड़ेगा, देख रहे? और बालू भी रखे हैं, देखिए बालू भी है सामने। और घेराव करने का और एक तो रीज़न है दिखाते हैं आप लोग को, ये देखिए ये जितना मंजर दिया हुआ है ना देख रहे पेड़ में, और सारा में लीची खिल चुका है, यानी लीची फल रहा है। अगला साल क्या हुआ था ना फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा नहीं किए थे और पानी भी नहीं दिए थे, सारा लीची ना पूरा होता ना ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, और खाने भी नहीं सके थे भाई, सारा मूड ख़राब हो गया था, इसलिए ऐसा तैयारी किया जा रहा है इस साल कि अच्छा से लीची हो पाए। पसीना आ गया फ्रेंड्स, ये देखिए मिट्टी को पूरा कोड़ लिए हैं, देख रहे हैं? और यहाँ पर मम्मी पानी डाल दे रही है, देख रहे पूरा भींग गया, अब अच्छा हो जाएगा भाई, देखिए इसका मदद से कोड़े पूरा पसीना आ गया, ये जो है ना ये सामने रखा हुआ उसी से कोड़े, कोड़ने आता नहीं है फिर भी जिधर चला चला दिए। सो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मार्केट तरफ, और इनका स्लीपर बनने दिया हुआ है सो वो भी लेकर आएंगे। और क्या लेकर आना है मानो हम लोग को? कप, कप घर का एक भी कप नहीं है चाय पीने।
सब टूट गया है, टूट नहीं गया है, ये हमारा स्टोरी आर अभी तोड़ डाला है सब, है ना। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से चलते हैं और जल्दी से लेकर आते हैं। क्या लिए तुम भानु हाथ में? बर्थडे का गलती से आया नहीं था, बर्थडे वाला था क्या? अच्छा, हम लोग बर्थडे वाला मतलब जो एक्स्ट्रा लेकर आए थे रिटर्न नहीं किए थे ना, तो चलो रिटर्न कर देते हैं। ये हम लोग निकल गए हैं और आरब पता नहीं किसको टाटा कर रहा है। कैसे टाटा कर रहे हैं आरब? आरब टाटा करो, टाटा। ये हम लोग पहुंच गए पेट्रोल पंप, पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं फिर आगे तरफ चलते हैं। आरब के पापा वहाँ पे पेट्रोल भरवा रहे हैं और हम लोग इधर साइड में आके खड़े हैं, और हो गया इनका पेट्रोल भरवाना। पापा नहीं आ रहे ना, कितना देर से हम लोग वेट कर रहे, खड़े हैं यहाँ पे, वो वहीं पे है। अरे ये देखिए आगे, चलो चलो जल्दी चलो। तो मानू का तो स्लीपर नहीं मिला फ्रेंड्स, बिकॉज दुकान बंद है, और अभी हम लोग आ चुके हैं मानू और यहाँ पे गाड़ी पार्क कर चुके हैं, इसलिए अभी अंदर की ओर चलते हैं जल्दी। और ये है मार्केट जाने वाला रास्ता, देखिए इसमें इतना ज्यादा गाड़ी आता ना भाई, चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। एक तो जगह नहीं है और गाड़ी ज्यादा है। सही बात है एकदम भाई। क्या लेना है बेटा? आरब, ओ आरब कैसा है कप? ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो यही वाला फ्रेंड्स हम लोग कप ले रहे हैं, देखे ये ठीक है, साइज भी अच्छा है। कौन सा? नीचे वाला या ऊपर वाला? क्या लोटा चाहिए तुमको? सो फाइनली हम लोग कप ले लिए हैं, अभी चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग को लौटाना था बर्थडे वाला डेकोरेशन वाला, सो ये भी बंद है, और जो जहाँ पे चप्पल बनवाने दिए तो वो भी बंद है। क्या क्या करें फिर? चलो फिर अभी घर चलते हैं जल्दी से फ्रेंड। अभी हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ठेला, ठेला में हमेशा भीड़ रहता ना, कभी खाली नहीं मिलेगा। नहीं आरब, आरब भी पापड़ी खाएगा क्या? इसको सूखा वाला पापड़ी देंगे क्या? चलो ये फ्रेंड्स पापड़ी बड़ा ही लाजवाब लग रहा है, इतना सारा पापड़ी खुदे खाएगी? नहीं अभी तो खाएंगे। हाँ हम नहीं खाएंगे। हाँ देखिए घर आ गए फ्रेंड्स कप वगैरह लेकर, और अभी जा रहे हैं अपने फ्रेंड के पास, कुछ इंपॉर्टेंट काम है वहाँ पे, तो चलिए चलते हैं जल्दी से, लेट्स गो। दोस्त का घर आए हैं फ्रेंड्स, और ये देखिए मेरे को काला बिल्ली दिखा दिया, देख रहे कैसे दिख रहा है, आँख देख रहे हैं। और ये देखिए मेरा फ्रेंड जो हैदराबाद से हाल ही में आया, और हैंड पूरा जबरदस्त लग रहा है, बस हैंड ही बचा है। हम लोग दोनों फ्रेंड्स निकल चुके हैं, देखिए रोड में ही है, और अभी फिलहाल ये खाने वाला है एग रोल या चिकन रोल? चिकन रोल चाहिए इसको, ऐसे ही मोटा उटा हो के आया है, इसको फिर भी चाहिए चिकन रोल। तो चले फ्रेंड जल्दी से, हम नहीं खाएंगे यही खाएगा। आ चुके हैं फ्रेंड्स, देखिए गौतम एग रोल पास, ये देखिए। और मेरा दोस्त अंदर चल गया, बोलता है कैमरा में बहुत ज़्यादा मोटा दिख रहा है। ये अंदर बैठ गया है, छः सात को एग रोल खाएगा क्या तुम? हाँ कितना दिन के बाद एग रोल खा रहा फ्रेंड्स? या फिर हैदराबाद में खाते रहता था? हैदराबाद में बहुत बेकार एग रोल मिलता है, हम लोग का जीएसआर में ज़्यादा अच्छा मिलता है। नहीं टेस्टफुल टेस्टफुल रहता है। 10 महीने के बाद खा रहे हैं, अच्छा है ना? 10 महीने के बाद। और ये देखिए भाई साहब हम लोग का रोल आ चुका है, यानी चिकन रोल, फेमस है यहाँ का, फेमस है ना यहाँ का। और ये देखिए एक बाइट ले भी चुका है प्रिंस, तो कैसा है टेस्ट एग रोल का? जमशेदपुर में कुछ भी खाओ सर, बहुत अच्छा है। चलो अच्छा है। घर पहुँच गए फ्रेंड्स, और यहाँ गेट लगा हुआ है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।